का हृदय प्रदेश है। यदि हृदय स्वस्थ तो शरीर स्वस्थ। ठीक इसी तरह यदि मध्य प्रदेश समृद्ध और स्वर्णिम होगा तो पूरा राष्ट्र समृद्ध और स्वर्णिम बनेगा। समृद्धि का आधार अन्न है, अनाज है, शिल्प है, समाज है, शांति है, सद्भाव है। मध्य प्रदेश सरकार की प्राथमिकता के यही आधार है, अभियान है। पिछले 10 वर्षों में योजना पूर्वक किए गए कार्यों का परिणाम है कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्यों से निकलकर उन्नत राज्य की श्रेणी में आ गया और मजबूत समृद्ध हृदय के रूप में देश का विकास केंद्र बन गया। प्रगति का आधार कृषि है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के संकल्प ने किसानों की उम्मीदों में पंख लगा दिए। साधन सुविधा और योजना के साथ से रिकॉर्ड उत्पादन कर अन्नदाता ने प्रदेश का मान बढ़ाया। कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के साथ मध्य प्रदेश को लगातार चौथी बार भारत सरकार से कृषि कर्मण पुरस्कार मिला। इस सम्मान ने कृषि बहुमूल्य राज्य मध्य प्रदेश में विकास की संकल्पना और क्रियान्वयन की निरंतरता को स्थापित कर दिया। एक दशक पहले बीमारू राज्य की श्रेणी में आने वाला यह प्रदेश अब सबसे अधिक कृषि विकास दर के साथ आगे बढ़ रहा है। समावेशी विकास की तेज रफ्तार और गुणवत्ता में सुधार के लिए दृष्टि पत्र बनाया। इसके अमल के परिणाम प्रदेश की समृद्धि के रूप में दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं, अगले 5 वर्षों में मध्य प्रदेश के किसानों की आय को दुगना करने का रोड मैप भी तैयार है। कृषि विकास दर में यह वृद्धि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के समर्पण और परिश्रम का परिणाम है। इन्होंने किसानों की हर मुश्किल पीड़ा को समझा। जहां प्रगति के साधन संसाधन उपलब्ध कराए, वहीं संकट की घड़ी में किसानों के कल्याण और खुशहाली के लिए साथ खड़े रहे। बाढ़, ओला, अतिवृष्टि, सूखा और हर आपदा में किसानों की चिंता दूर की। किसानों के हित में एक अध्याय और जुड़ गया जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को संबल और फसलों से होने वाली आय की सुरक्षा की गारंटी दी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से प्राकृतिक आपदा के सुरक्षा कवच को पाकर किसानों की फसलों से होने वाले नुकसान को लेकर संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आश्वस्त भी हैं और अभिभूत भी। अकेला एक किसान होगा गांव में और मान लीजिए उसी की खेत में मुसीबत आ गई तो अगल बगल में क्या हुआ है वो नहीं देखा जाएगा। जिस किसान का नुकसान हुआ है बीमा योजना का लाभ वो अकेला होगा तो भी उसको मिलेगा। ये बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है और मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार ने अनेक विध किसान लक्षी योजनाओं के रहते, ग्रामीण विकास की योजनाओं को रहते और किसान की जो मूलभूत आवश्यकता है उस पानी पर बल देने के कारण राज्य सरकार और किसानों ने मिलकर के एक नया इतिहास रचा है। आज हिंदुस्तान के कृषि जगत में मध्य प्रदेश सिरमौर बन गया है। अब प्रदेश का किसान आपदा से होने वाली फसल नुकसान की चिंता से मुक्त हो गया है। कृषि मित्र मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के फसल की सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित कर दी है।
तेजी से विकास कर रहे प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने को कृत संकल्प प्रदेश सरकार के प्रयासों से जैविक कृषि में अभूतपूर्व प्रगति हुई। जैविक कृषि नीति का क्रियान्वयन है। जैविक कृषि मेले का आयोजन, संगोष्ठी, सम्मेलन और प्रशिक्षण से किसानों को जैविक कृषि तकनीक का व्यवहारिक ज्ञान दिया गया। जैविक प्रमाणीकरण, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और बाजार की व्यवस्था की गई। इन प्रयासों के चलते किसानों ने जैविक खेती को अपनाया। प्रदेश का किसान अब जान गया है कि इसमें कम लागत, कम सिंचाई से अधिक फसल उत्पादन होता है। मैं विगत 20-15 वर्षों से जैविक खेती कर रहा हूँ। जैविक खेती परंपरागत पुरानी खेती है, इसकी गुणवत्ता अच्छी आती है, फसल भी उत्पादन भी अच्छा निकलता है, बहुत कम लागत में बहुत अच्छा उत्पादन किसानों को मिलता है। जैविक खाद के उपयोग से भूमि की गुणवत्ता में सुधार, जल धारण क्षमता को बढ़ाना और पानी के वाष्पीकरण में कमी आती है। यह मिट्टी, खाद पदार्थ और जमीन को प्रदूषण रहित कर संतुलित पर्यावरण और बीमारियों से बचाव का पर्याय है। इसीलिए प्रदेश का किसान जैविक खेती से अनाज, फल, फूल, सब्जी और अन्य फसल उत्पादन कर बेहतर लाभ कमा रहा है। आज मध्य प्रदेश देश में सर्वाधिक जैविक खेती करने वाला राज्य है। बस भैया, हमारा तो एक ही संदेश, कृषि में खुशियां लाए सरकार मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र से जुड़े डेयरी उद्योग और पशुपालन के लिए भी समुचित प्रयास किया जा रहा है। आधुनिक डेयरी विस्तार, उत्कृष्ट पशुधन प्रबंध, उन्नत तकनीक का प्रयोग, उन्नत नस्ल के पशु और उनके स्वास्थ्य सुधार से पशुधन विकास और उत्पादकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। यही वजह है कि प्रदेश दुग्ध उत्पादन में भी आगे है। प्रदेश में कृषि से जुड़े क्षेत्रों के बीच बेहतर तालमेल और किसान हित में फसलों के लिए कृषि कैबिनेट का गठन, जैविक कृषि नीति, किसानों को 0% ब्याज ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड की उपलब्धता, ई उपार्जन, बिजली, पानी, सिंचाई की व्यवस्था, उन्नत बीज, पर्याप्त मात्रा में सस्ता खाद, समय पर कीटनाशक दवाइयां, मृदा परीक्षण, कस्टम हायरिंग सेंटर, कृषि यंत्र दूत योजना और सबसे जरूरी, फसलों का लाभकारी मूल्य मुहैया कराना। इन प्रयासों के चलते प्रदेश का किसान समृद्ध होता गया। प्रदेश में पिछले 10 वर्षों में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों से खेती को घाटे से निकालकर लाभ का व्यवसाय बना दिया। मध्य प्रदेश की कमान संभालते ही श्री शिवराज सिंह चौहान ने संकल्प लिया था कृषि की उन्नति, किसान की समृद्धि और प्रदेश के विकास का। अपने इस संकल्प पर वे पूरे मन से जुड़े हैं। वे किसान पुत्र हैं, किसान की व्यथा, मनोदशा, क्षमता से परिचित हैं। किसान होने के उनके इस पक्ष ने किसानों के हित में आवश्यक और व्यवहारिक कदम उठाए। किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के अलावा कृषि के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया, प्रदेश में बिजली का उत्पादन और वितरण की चौकस व्यवस्था की, बिजली उत्पादकता बढ़ाने के साथ फीडरों का विभक्तिकरण कर गांव-गांव में बिजली पहुंचाई, प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया, सड़कों का यह जाल राजधानी से किसानों के खेत तक जा पहुंचा, गांव की मंडियों को नगरों से जोड़ा गया, सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराई गई। प्रदेश में नहरों, कुओं, तालाबों आदि से सिंचित क्षेत्रफल में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। सिंचाई की समस्या के समाधान, सतही और भूमिगत जल की समृद्धि के लिए बलराम ताल योजना, नलकूप खनन और पंप पर अनुदान दिया जा रहा है। सिंचाई सुविधा की बढ़ोतरी से फसल उत्पादन की गुणात्मक वृद्धि किसान के चेहरे की मुस्कुराहट में सहज ही देखी जा सकती है। एक दशक पहले किसान निराश था, ग्रामीण युवा पलायन करने को मजबूर, खेती की लागत किसानों की पहुंच से दूर थी, किसानों को ऋण 18% ब्याज दर से मिलता था, वहीं अब 0% ब्याज दर पर सुगमता से ऋण उपलब्ध है। किसान को 1,00,000 ऋण लेने पर मात्र 90,000 ही लौटाना है। किसानों के बैंक खाते में शासकीय अनुदान का सीधा भुगतान कर हर समस्या का तुरंत हल किया जा रहा है। आज जहां 65% युवा हमारे देश में है और उच्च तकनीकी लिए हुए हैं, इस तकनीकी को अगर हम कृषि में
उपयोग करें तो निश्चित रूप से हम देश को विकास में सहभागी बन सकते हैं और जो बेरोजगारी की समस्या है उसको हम निजात पा सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार किसानों के साथ होने की वजह से बहुत सारे लाभ हमको मिल रहे हैं, चाहे वो सिंचाई के क्षेत्र में हो, चाहे तकनीकी के क्षेत्र में हो, चाहे मध्य प्रदेश सरकार से जो अनुदान पर हम लोगों को व्यवस्थाएँ की जाती है बीज की, खाद की, दवाओं की, उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार का हम साधुवाद है। युवाओं को मेरा यही संदेश है कि अपनी तकनीकी, अपनी उच्च शिक्षा को इस कृषि में आप लगाएं और निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा इनकम कम कर सकते हैं और देश की जो रीढ़ की हड्डी है कृषि, उसको आप सुदृढ़ करके देश के विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं। बीज और उर्वरकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक संभाग में प्रयोगशाला की स्थापना और उन्नत एवं प्रमाणिक किस्म के बीज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 2313 बीज उत्पादक सहकारिता समितियां स्थापित की गई। मध्य प्रदेश में कृषि की उन्नति और अन्नदाता को सहयोग के लिए बीज ग्राम योजना, राज्य माइक्रो इरिगेशन मिशन, सतत गन्ना विकास योजना, जैविक खेती विकास कार्यक्रम, कृषि यंत्रीकरण से यंत्रों पर अनुदान, अन्नपूर्णा योजना, सूरजधारा योजना, बीज किसान मित्र प्रशिक्षण, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से कृषि विस्तार, कृषि में महिलाओं की भागीदारी योजना जैसी सैकड़ों योजनाएं संचालित हैं। ये योजनाएं विकास क्रम के लिए इसलिए भी सफल हुई क्योंकि इनका निर्माण मुख्यमंत्री निवास पर हुई किसान पंचायत में किसानों के सुझाव से हुआ। कृषि के लिए किए गए इन प्रयासों के चलते मध्य प्रदेश ने कृषि क्षेत्र में चमत्कारिक प्रगति की। गेहूं उत्पादन में मध्य प्रदेश चौथे स्थान से दूसरे स्थान पर, धान में 14वें स्थान से 7वें स्थान पर और मक्का में 6वें स्थान से 5वें स्थान पर है। प्रदेश ने एक दशक में दलहन उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि की। मध्य प्रदेश का जीडीपी विगत 5 वर्षों से 10% से ऊपर है, उसमें कृषि सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। और हमारी सरकार का, हमारे मुख्यमंत्री का संकल्प है कि हम खेती को जब तक लाभ का धंधा नहीं बनाते तब तक चैन से नहीं बैठने वाले हैं। उस दिशा में हमने अनेक कीर्तिमान कार्य किया है। हमारे मध्य प्रदेश ने कृषि विकास में लगातार चौथी बार यानी लगातार 4 वर्षों से औसतन 20% कृषि विकास दर को अर्जित किया है और चौथी बार हमें कृषि कर्मण पुरस्कार भी मिल रहा है। उन्नत कृषि के लिए प्रदेश के सभी 313 विकास खंडों में कृषि ज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसान को इंटरनेट से आधुनिक तकनीक की जानकारी निशुल्क उपलब्ध की जा रही है। सीख समझाइश से कृषि की बेहतरी के लिए मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना, मेरा खेत मेरी माटी योजना के अलावा देश दुनिया की कृषि तकनीकों से परिचित कराने के लिए उन्हें विदेश अध्ययन यात्रा के अवसर भी प्रदान किए जा रहे हैं। प्रदेश में कृषि को प्रोत्साहन, किसानों को नई तकनीक से परिचित कराने और कृषि संबंधी समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया। किसानों के हित के लिए किसान कॉल सेंटर, सामुदायिक रेडियो केंद्र जैसी आधुनिक सेवाएं आरंभ करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। कृषि में इलेक्ट्रॉनिक तकनीक के नए प्रयोग के तहत किसानों को नई तकनीकी जानकारी देने के लिए हिंदी में देश की पहली वेबसाइट www.mpkrishi.org शुरू की गई। सरकार ने पूरी शिद्दत के साथ अपने संकल्प को पूरा किया है। प्रदेश के किसान के पास उन्नत बीज है, उन्नत कृषि संयंत्र, खेत का पानी खेत में, जैविक खेती की तकनीक, कृषि वानिकी, कृषि उद्यानिकी, भरपूर सिंचाई व्यवस्था, बिना ब्याज के ऋण की उपलब्धता और संकट की घड़ी में सरकार के साथ से किसानों ने मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र की तस्वीर बदल डाली। प्रधानमंत्री की ग्रामोदय से भारत उदय परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए गांवों की समृद्धि और पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए मध्य प्रदेश में ग्रामोदय का जन आंदोलन 14 अप्रैल 2016 से शुरू हो गया है। ग्राम सभा और ग्राम संसद में शासन, प्रशासन और आम जन मिलकर गांव के विकास की योजनाओं का निर्माण तथा 5 साल में खेती की आय को दुगना करने की योजना बना रहे हैं। हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने की अभिनव पहल से हर पात्र को लाभ मिल रहा है।
भारत कृषि प्रधान देश है, आज से नहीं वैदिक काल से। वैदिक काल से लेकर 21वीं सदी तक विकास के रास्ते और मायने भी बदल गए, पर मूल बात आज भी वही है, अन्न ही जीवन का आधार है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वैदिक कृषि के आह्वान को अंगीकार कर कृषि की उन्नति से प्रदेश की संभावना को प्रबल किया है। कृषि विकास दर में निरंतर बढ़ोतरी और चौथी बार कृषि कर्मण अवार्ड मिलना इसका प्रमाण है। आपकी मेहनत, ये आपका परिश्रम है, यह आपके परिवार का परिश्रम है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार कृषि कर्मण अवार्ड मध्य प्रदेश को दिया है भारत सरकार ने। किसान भाइयों और बहनों, मैं आपको भी दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसान पर विश्वास किया, साधन दिए तो श्रम सार्थक हो गया, मध्य प्रदेश समृद्ध हुआ और खेती अब लाभ का व्यवसाय बन गया। कृषि की यह आत्मनिर्भरता निश्चित ही प्रदेश को विकसित प्रांतों में अग्रणी बनाएगा और बन जाएगा स्वर्णिम मध्य प्रदेश।